गतकाली दीपावली रे बाण फुटारु बढ़ी कि प्रदूषण यार उत्तर रे राज्य प्रदूषण बोर्डर सदस्य सचिव के मुरुगेशन कहते बाण फुटा जो वायुर मान बिगड़ी जाता हेले आज वर्षा स्थित को नियंत्रण कर गतकाली बाण फुटा जो भुवनेश्वर में वायुर मान खराब होता बुधवार सका यह 60-70 एक्यूआई थिला जहाँ संतोषजनक थिला संध्यारे यह बढ़ी 100 एक्यूआई हो जाइथिला संध्यारे बाण फुटारु यह आहुरी बढ़ीथिला जहाँ 230-240 रे पहुँचिथिला आज सकाळे भुवनेश्वर रे प्रबल वर्षा हेबारु यह 133 एक्यूआई को खसी आसिथिला यह आहुरी कमिजिबो बोली कहिछन्ति मुरुगेशन सेपटे बालेश्वर राउरकेला तालचेर रे 100 उपरे थिला एक्यूआई बालेश्वर एवं राउरकेला रे वायुर मान वर्तमान 130-140 एक्यूआई पाखरे अछि किंतु तालचेर यह ढेर अधिक रही दिने दुई दिन भितर यह कमिजी उत्तर भारत में वायु मानक 300 एक्यूआई होता गांगे अंचल स्थित खराब होवर तार प्रभाव पश्चिमबंग राउरकेला बालेश्वर पड़ी कटक भल स्थित अच्छी गतकाली तालचेर और भुवनेश्वर मात्रा अधिक रही है सुप्रीमकोर्ट निर्देश में बाणफुटा गाइडलाइन जारी करा किंतु लोके न मानिले कौन करोली क्षोभ प्रकाश करिसेंति मुरुगेशन बाण फुटिले जदि पवन बहिबो प्रदूषण स्तर कमी जाए दक्षिण भारत मदुराई में पवन हुए तेणु बाण फुटारु प्रदूषण मात्रा कम थाए नवेम्बर 3 तारीख जाए वायुर स्थिति समीक्षा कर केन्द्र को रिपोर्ट दिजाव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव के मुरुगेशन आमर जो एयर क्वालिटीटा जो बुधवार रे सकाले बेले आपण मैं कहीदे ये 60-70 पाखे थी जोटा साटिस्फैक्टरी मैंने देन संध्या बेले टिके बढ़ी जाइला पाखापाखे 100 पाखे आसी जाइला कि गला खाली गोटे दिन रे टिके बढ़ी कि अलमोस्ट 200 पाखे आसीगला मैंने आपण मत जाथे दिन बेले बेसी पान फुटे ना कि संध्या बेले टी अधिक होता तेणु का रात्रि आम देखला 230-240 पाखे थी कि आज एमें चेक करूँ आप तो देखी देखिए भुवनेश्वर चारिआड़े वर्षा हो जाए तेणु एगेन पुणी आसीगला 133 पाखे आसीगला और भी कमीजी बोली आम आशा करूँ भुवनेश्वर बालेश्वर जो राउरकेला तालचेर सबू 100 उपरे थिला किंतु एबे राउरकेला बालेश्वर अलमोस्ट 130-140 पाखे अच्छी किंतु टिके तालचेटा अधिक ही अच्छे कारण से बेसी जो पावर प्लांट्स गुड़ाक अच्छी और ये माइनिंग एक्टिविटी भी अच्छी तार मिसिकी एटा टिके बढ़ी जाइछि तथापि आम आशा कर दिन दु दिन भर से भी कमी जो एंटायर जो एयर क्वालिटीटा जो खराब हो जाए इंडो गैंजेटिक प्लांट एरिया तार क्वालिटी भी तार इंपैक्ट भी आपने टिके टिके देखिपरिबे ये वेस्ट बंगाल आमर जो बॉर्डरिंग एरिया लाइक राउरकेला बालेश्वर रे भी आम गोटे स्टडी करते भी आमको जना पड़ी ए संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित भुवनेश्वर रिपोर्टर प्रियप्रीत महंती अच्छा प्रिय राज्य में बर्तमान किभली रही विशेषकर वायुर गुणवत्ता आम भुवनेश्वर कथा देखुले अन्य सहर गुणवत्ता केमी रही देखो गोटाए कथा तो स्पष्ट जो बाण फुटारु विभिन्न समय वायु प्रदूषण होता है कि 2022-2024 भर जो देखा 2022 रे वायु प्रदूषण मात्रा अधिक था 23 रे था कमी था 24 रे भी आशा करा जाउछि था कमीब गत काली संध्या रे लोक जो 2 घंटा तो कहा जाइतला से माने गाइडलाइन न मानी तार अधिक समय राति 12टा जे बाण फुटै छन तनो बाण रे एते मात्रा थिला जदि भुवनेश्वर कटक कहबा कटक सेटा इंपैक्ट पड़ेनी किंतु भुवनेश्वर रे 100 टपि जाइतला एयर क्वालिटी इंडेक्स रे जो मार्किंग ता थिला थोड़ा बढ़ी जाइतला जोटा एते चिंताजनक स्थिति थिला आज सकाळे वर्षा होइ गेला आ से वर्षा रे ही धोई हे गेला देखंतु एठी इक्वेशन कोन कुए इक्वेशन कुए जे चेन्नई मदुराई भाया जगार बाण फुटा जाए क्योंकि पवन आसे जेहेतु समुद्रकूल एरिया पवन आसे आ सब प्रदूषण मात्रा था कमे दिए ये से ही बर्षार प्रभाव रु ही आज प्रदूषण कमी कि चिंता रोच तालचेर बालेश्वर को नहीं बालेश्वर हुए तो स्वाभाविक स्थिति होते रास्ता कम चली जितिय राजपथ कम चली प्रदूषण बढ़ुची से सर कि तालचेर में जेहेतु खणी खादान पावर प्लांट इंडस्ट्रियल यूनिट सब रोच लोक बाण फुटे स्थिति सांघातिक हो पारे देखो दि दिन इक्वेशन जदि कह दिन इक्वेशन ता कौन किसी लोक गत काली दीपावली पाई बाण फुटे किसी आज भी फुटेबे तेणु ए मात्रा टा आहुरी हुए तो बिगड़ी पारे ए स्थिति रे 3 नवंबर 3 तारीख जाए पूरा ओडिशा जाकर जो सब सहर प्रदूषण तालिका रे अच्छे से सबरो जा समीक्षा करा जाए 3 तारीख दिन चूड़ांत रिपोर्ट केन्द्र को दिया जिवो
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଏ ସରେ ତା ପ୍ରଭାବଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନେବରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ, ରାଉରକେଲା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଅବିନାଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ରହିଛି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବାୟୁ।